हेलो फ्रेंड्स, आरतीज पंजाबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चीज चिली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और साथ में दिए बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। आइए फ्रेंड्स, तो आज बनाते हैं चीज चिली, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम चीज लिया और उसको क्यूब्स में काट लिया है। और इसको कोट करने के लिए मैंने 4 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर, 4 चम्मच मैंने मैदा और नमक मैंने स्वाद अनुसार, और 1 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, तो ये कलर भी अच्छा देती है और तीखी भी कम रहती है। चीज़ चिली की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 2 प्याज मीडियम साइज के, इनको डाइस में काट लिया है। 1 शिमला मिर्च, उसको भी डाइस में काट लिया है। और 1-1 चम्मच मैंने गार्लिक और जिंजर ले लिया है, इसको अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। 2 चम्मच मैंने चिली सॉस ली है, 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच टमाटो केचप, सॉल्ट हम अपने स्वाद के अनुसार लेंगे, ब्लैक पेपर मैंने 1/4 स्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, और 1 स्पून मैंने विनेगर लिया है, और 2 मैंने चिली काट के रख ली है ग्रीन। सबसे पहले हम चीज को एक बाउल में डाल लेंगे। अब हम सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। और कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, ये तीखी भी कम रहेगी और कलर भी अच्छा दे देगी। कॉर्नफ्लोर डालेंगे हम, और मैदा 4-4 चम्मच हम दोनों के डाल देंगे। अब हम इनको पानी के साथ हल्का हल्का सा मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से चीज को कोट कर लेंगे। फिर हम इसको अच्छे से कोट करके 5 मिनट के रेस्ट पे रख देंगे और बाद में इसको फ्राई कर लेंगे। ये हमारा चीज अब अच्छे से कोट हो गया है, इसको हम 5 मिनट की रेस्ट पे रख देते हैं और तब तक हम ऑयल हीट कर लेते हैं। अब हम चीज को कढ़ाई में डाल देंगे 1-1 पीस करके और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमारा अब अच्छे से गोल्डन हो गया है। अब हम इसको टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें अब्सॉर्ब हो जाए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। सबसे पहले पैन को हीट कर लेते हैं और कोई भी 2 बड़े स्पून ऑयल ले लेते हैं। अब हम इसमें जो हमने गार्लिक और जिंजर चॉप करके रखा था उसको डाल देते हैं। ऑयल को हीट कर लें और उसमें ये डाल दें। ये मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करा है। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे। इसको बिल्कुल भी पकाना नहीं है, ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसको 1 मिनट के लिए ऐसे स्टर फ्राई करेंगे और फिर बाद में इसमें हम ये जो हमने प्याज डाइस करके रखे थे वो डाल देंगे। और जो शिमला मिर्च रखी थी वो भी डाल देंगे। चाइनीज में हमें सब्जियां ज्यादा पकानी नहीं रहती हैं, उनको सिर्फ हल्का सा सॉटे करना है। अब 1 मिनट के लिए हम इनको ऐसे सॉटे करेंगे। अब हमने जो ग्रीन चिली रखी है वो भी इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें जो सॉसेस हैं वो डाल देंगे।
टमाटो केचप 2 स्पून जो मैंने रखी थी वो डाल देंगे, सोया सॉस 2 स्पून, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रेड चिली, इसमें हम 1 पिंच ब्लैक पेपर डालेंगे, सॉल्ट हम अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालेंगे, थोड़ा कम ही डालें क्योंकि हमने चीज में भी डाला था। अब मैंने ये कॉर्नफ्लोर और पानी से 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया और थोड़ा सा पानी डाल के उसकी स्लरी बना ली है, और ये हम ग्रेवी में डालेंगे जो ग्रेवी को थिक करेगी, और बाद में हम चीज को ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा पकाएं, जब ये थोड़ी सी थिक हो जाए तो तब हम इसमें चीज को मिक्स कर देंगे। ये सारा अब मैं चीज मिक्स कर दूंगी इसमें। अब अच्छे से चीज को ग्रेवी में कोट कर लीजिए, और ये हमारी जो चीज चिली है जल्दी से रेडी हो जाएगी, और जितनी जल्दी इसको सर्व करेंगे उतनी ही अच्छी लगेगी। ये हमारी चीज चिली बिल्कुल तैयार है। अब हम थोड़े से स्प्रिंग अनियन डाल देंगे इसमें जो कि अच्छे लगते हैं। अब हम इसको प्लेटिंग के लिए निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर और टेक्सचर आया है। विनेगर आप जब सॉसेस डालें तो विनेगर भी डाल लीजिए, मैं किसी वजह से उसको शूट नहीं कर पाई। ये हमारी चीज चिली अब सर्व करने के लिए रेडी है।